हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रैकबोर्ड 1920। सो आज हम बात करेंगे टिक्नोमेट्री पर बेस्ड प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस पॉसिबल हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो आप ये अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दें कि टिक्नोमेट्री बहुत वास्ट है, आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है और बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस एनडीए में नहीं देते हैं। थोड़ा सा भी माइंड आप यूज़ करेंगे तो आप आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि हम आपको सारे फॉर्मूले भी रिवाइज करवा दें तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में आप कॉमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको फॉर्मूले रिवाइज करवा देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1054। ऑब्वियसली 1054 को आप ब्रेक कर सकते हैं 90-36 में, और 1090-36 होता है आपका cot 36। तो cot को हम लिखते हैं cos/36, तो ये ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है। cos/sin होता तो ऑप्शन इज करेक्ट, लेकिन अब हम 54 को कैसे लिख सकते हैं? 45+9 लिख सकते हैं। 10a+b क्या फॉर्मूला हो गया? 10a+10b ओवर 1-10a 10b। कोई प्रॉब्लम नहीं। 1045 इज 1, 10 इज साइन अपॉन कॉस, दिस इज साइन 9 अपॉन कॉस 9 ओवर 1-sin 9 ओवर कॉस 9। यहां से आपको आइडिया लग जाएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जब आप कॉस एलसीएम लेंगे तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट वन, साइन 34 कॉस 236 साइन 56 साइन 124 अपॉन कॉस 28 कॉस 88 कॉस 178 साइन 208। ये वैल्यूज हैं इस टाइप से कि आप चाहे तो 180 में ब्रेक करें या 90 की रिस्पेक्ट में ब्रेक करें, बस आपको पता होना चाहिए कि 90 और 270 में फंक्शन चेंज होगा, किस क्वाड्रेंट में होगा, दैट्स इट। सबसे पहले हमने लिया साइन 34, क्योंकि ये तो स्मॉलेस्ट एंगल ही है, इसको आप एज इट इज रखिए। कॉस 236 क्या लिख सकते हैं? 180+56 लिख सकते हैं, राइट? माइनस साइन 56 को एज इट इज रखिए, क्योंकि यहां से भी आपको 56 मिल जाएगा। इसको चेंज कर दीजिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं? साइन 90+34। ठीक है, ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहां भी हमारा 34 है। कोशिश कीजिए कि एंगल आपको सेम मिल जाए। कॉस 28 ठीक ठाक है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, दिस इज 90-2 ठीक हो गया। इसको अब हम क्या लिख सकते हैं? कॉस 180-2, दिस इज साइन, यहां पे हमें लाना है 28, तो हम क्या लिख दें इसको? 180+28 क्लियर। साइन 34 थर्ड क्वाड्रेंट कॉस इज नेगेटिव, सो दिस बिकम्स -sin 34 एंड cos 56, -sin 56, sin 90+θ सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस बिकम्स cos 34। cos 90 -θ फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेकिन किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। माइनस कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, सो दिस बिकम्स माइनस कॉस कॉस ही रहेगा 2, एंड साइन 180+θ, दिस इज -sin 28। ठीक है, अब देखिएगा, ऊपर से हमने माइनस कॉमन किया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दैट मीन्स ऐड कर दीजिए 90, साइन 90 इज 1, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, 28+2 दैट इज 30 एंड साइन 30 इज 1/2, सो आंसर इज -2, दिस ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, कॉस थीटा माइनस एल्फा इज ए, कॉस थीटा माइनस बीटा इज बी, क्या फाइंड करना है इसको? अब इसको हम किस फॉर्म में अरेंज करें? इन एंगल्स की फॉर्म में। कैसे कर सकते हैं? इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, एल्फा माइनस थीटा प्लस थीटा माइनस बीटा। ठीक है, थीटा थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा।
अब ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, क्या फॉर्मूला बन गया आपका? कॉस अल्फा माइनस थीटा, कॉस थीटा माइनस बीटा, माइनस कोसाइन अल्फा माइनस थीटा एंड साइन थीटा माइनस बीटा। ठीक है, अब इसके प्लेस पर तो हम दोनों वैल्यूज डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, क्योंकि कॉस में माइनस कॉमन भी करें, कॉस माइनस थीटा इज सिंपल कॉस थीटा, राइट? तो ये वैल्यू तो हो गई आपकी ए बी। जब आप साइन की वैल्यू लेंगे तो साइन अल्फा माइनस थीटा कैसे फाइंड होगा? दिस बिकम्स माइनस साइन थीटा माइनस अल्फा, क्योंकि साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन, तो एक तो यहां पे आपने प्लस लगा दिया और अब ये बन जाएगा वन माइनस ए स्क्वायर और ये आ जाएगा वन माइनस बी स्क्वायर। तो आंसर हमारा हो गया फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू। कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका, दिस इज इक्वल्स टू साइन टू थीटा। तो ऐसे क्वेश्चन भी पेपर के ही हैं, 18 या 19 दोनों में से किसी पेपर में ये आया है। इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई देन दिस वैल्यू इक्वल्स टू। अब इसको आपने कैसे सॉल्व करना है? सिंपली साइन ए माइनस साइन बी क्या लिख सकते हैं हम? टू कॉस ए प्लस बी बाय टू एंड साइन ए माइनस बी बाय टू। टू सी को आप लिख सकते हैं टू साइन सी कॉस सी। ए प्लस बी इज इक्वल्स टू पाई माइनस सी, दैट इज टू कॉस पाई माइनस सी इज माइनस टू कॉस सी। साइन ए माइनस बी टू साइन सी कॉस सी, आपने कॉमन किया टू कॉस सी। नाउ साइन ए माइनस बी प्लस साइन सी, अब सी को वापस आप क्या लिख सकते हैं? व्हाट इज सी? पाई माइनस ए प्लस बी एंड सेकेंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, सो पाई माइनस थीटा इज सिंपल ए प्लस बी। साइन ए प्लस साइन बी टू साइन, इन दोनों का एडिशन अपॉन टू, दैट मीन्स माइनस टू कॉस सी, दिस इज टू साइन ए। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे दिस माइनस दिस तो वो आएगा माइनस में, ठीक है, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी इनटू कॉस माइनस बी, और माइनस कॉस में कोई इफेक्ट होता नहीं है, कॉस साइन ए कॉस बी एंड कॉस सी, दिस इज आवर आंसर, राइट? इफ ए इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। थ्री माइनस टेन स्क्वायर ए माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू वन, देन व्हाट इज ए? 300, 315, 330 एंड 345। फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 आपका क्या है? नेगेटिव। कॉट भी क्या है? नेगेटिव। ठीक है, अब 300 अगर है तो 300 को आप फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे काउंट कर सकते हैं? 360 माइनस 60, राइट? ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अब हमने सपोज पहले 300 रख के यहां पे चेक कर दिया, क्या वैल्यू हो जाएगी हमारे पास? 3 माइनस, हमने रखा 300, उसको हम 360 माइनस 60 में चेंज करेंगे, दैट इज 10, आपका हो गया 1, 1060 इज रूट 3 और रूट 3 का स्क्वायर यानी 3। नाउ कॉट 60, कॉट 60 क्या हो जाएगा आपका? दिस इज 1 अपॉन 3 और उसका स्क्वायर, ये तो कैंसिल आउट हो गया, क्लियर? ये वैल्यू कितनी हो गई? 1 बाय 3 पूरा कैंसिल यानी 1, सो ए इज 300, है तो 300, लेकिन 300 को आप चेंज कर देंगे 360 माइनस 60 में, तो वो काउंट होगा ओनली 60 और फोर्थ क्वाड्रेंट में 60 की जो वैल्यू है वो आप यूज करेंगे माइनस, लेकिन उसका स्क्वायर क्या है? प्लस है। कॉट भी नेगेटिव है लेकिन वो भी क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, व्हाट आर द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू रूट 3। अब सिंपली आप कॉसिक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, इसको लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, ठीक है, और ये आ गया हमारा रूट 3। अब इसको हमने कैसे लिखा? 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, किसके इक्वल? रूट 3 के। ठीक, अब हमने क्या किया इसको? अब हम इसको चेंज कर दें हाफ एंगल में,
2 cos square x by 2 minus 1 upon में 2 sin x by 2 cos x by 2. इस 1 से 1 cancel, 2 से 2 cancel, cos से cos cancel. This is cot x by 2. ठीक है, अब cot x by 2 root 3 कब होता है? cot x by 2 root 3 होता है आपका pi by 6 पर. ठीक है, that means यहां से जो values हमारे पास आएंगी, x by 2 की वैल्यू या तो pi by 6 होगी और या 7 pi by 6 होगी. जब हम x फाइंड करेंगे तो pi by 3 होगा या 7 pi by 3 होगा. हमारे पास जो ऑप्शन है केवल pi by 3 का ऑप्शन है, वो आंसर हो जाएगा हमारा करेक्ट. तो जैसे आप क्वेश्चंस देखें, आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मैं दूसरी वीडियोस आपके लिए अपलोड कर पाऊँ. फटाफट से जितना लाइक और कमेंट आप करेंगे उतना ही मैं भी मोटिवेट होंगी, ताकि मुझे लगेगा कि आप लोग इसको अच्छे से वॉच कर रहे हैं, कुछ आपका बेनिफिट हो रहा है. और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दीजिए. सो टिल देन, बाय बाय.